Hello guys and welcome back to our channel, our doll world. So guys, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला। आप लोग सोच रहे होंगे ना मैंने आज पर्स क्यों लिया है ये वाला। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ शॉपिंग, और कोई ऐसी वैसी शॉपिंग नहीं, मैं जा रही हूँ राखी की शॉपिंग करने। और गाइस, एक बार पहले भी मैंने शॉपिंग की वीडियो बनाई थी अपनी बहन के साथ, जो थी ज्वेलरी शॉपिंग। तो अगर आपने नहीं देखी है तो ऑल्सो चेक आउट दिस वीडियो। और सो आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि मैं जा रही हूँ राखी की शॉपिंग करने के लिए। सो चलिए चलते हैं शॉपिंग के लिए। सो गाइस, मैं दुकान में आ गई हूँ फिलहाल शॉपिंग करने के लिए। पीछे तो आपको देख ही रहा होगा, ये इतना बड़ा शॉप है इनका, ये देखिए। सो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हर साल आंटी हर फेस्टिवल के मुताबिक मिठाइयाँ या फिर कुछ जंक फूड वगैरह, केक वगैरह, सब कैंडीज, स्नैक्स, ये सब बेचती हैं। और इस साइड पे आंटी अपनी हैंडमेड चीज़ें बेचती हैं। तो ये स्टॉल आंटी ने छोटे से लगा रखा है ताकि आपको एक ही दुकान से सारी रक्षाबंधन की चीज़ें मिल जाए। और यहाँ पे सिर्फ रक्षाबंधन की ही नहीं, शादी और भी कुछ फेस्टिवल्स वगैरह, ये ना दुकान जो है ना वो सीजनल्स वाला है। मतलब हर जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है ना गाइस, तो जैसे दिवाली है तो इस दुकान में आपको पटाखे भी दिख जाएंगे, और होली है तो वाटर बलून्स, फिर गुलाल वगैरह ये सब भी दिख जाएंगे। अभी राखी है तो आंटी ने राखी लेकर आई हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दुकान दिखा देती हूँ, फिर हम लोग शॉपिंग कर लेंगे। सो ये आप देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया हो। और आंटी ने बैठने के लिए यहाँ पर छोटा सा अरेंजमेंट कर रखा है प्लास्टिक से। आंटी प्लास्टिक को भी रीयूज करती है, ये देखिए ये आंटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए। सो गाइस, यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें दिख रही होंगी, ये कुछ मिठाइयाँ, डोनट्स, दैन बर्गर और भी ढेर सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर इसलिए, दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पर इसलिए आती हूँ क्योंकि एक ही शॉप पे सब कुछ मिल जाता है। मिठाइयाँ यहाँ की बहुत ही टेस्टी होती है, मिठाइयाँ भी यहाँ पे सब कुछ आंटी खुद बनाती हैं, तो बहुत तैयारी करती है आंटी बनाने की। तो मैं यहीं से एक जगह से ही सारी चीज़ें ले लेती हूँ, ज़्यादा शॉप में जाने की जरूरत नहीं पड़ता मुझे। फिर इधर आप देख सकते हैं, इधर आंटी का काउंटर है जिस पर आंटी ने राखी और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीजन्स के हिसाब से आंटी रखती हैं। और आंटी की एक और अच्छी बात है कि आंटी ना पर्सेस भी रखती है अपने दुकान में अलग अलग डिज़ाइन की। तो चलिए अब मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं आंटी की दुकान में कितनी सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी पर्सेस, फिर ये दिवाली के लिए थाल, राखी, माले, फिर ये कुछ बॉटल्स, फिर से यहाँ पे राखी, और इधर खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें। और यहाँ पर भी आंटी ने राखी और एक पर्स रखी हुई है, ये आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा है। अरे बेटा बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या दिखाओ, देखो कितनी सारी नई चीज़ें आई हैं रक्षाबंधन की, यहाँ पर देखो। अरे आंटी जी, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आप बस राखी दिखा दीजिए और राखी से कुछ सामान वगैरह चाहिए। हाँ बेटा दिखाती हूँ जी। ये सब क्या है बेटा, यह तो राखी है। अच्छा ये सारी राखी है क्या? हाँ बेटा। और यहाँ पे पर्सेस रखा है आपने? हाँ बेटा सब मैंने बनाया है। ओ ये तो बहुत ही अच्छी बात है आंटी जी। और गाइस आप देख रहे हैं ना कि आंटी जी ने कितनी अच्छी अच्छी पर्सेस बनाई हैं, सब हैंडमेडेड हैं, आप देख ही सकते हो। ये कुछ हैंड पर्सेस हैं और वो पकड़ने के लिए। सो आंटी सारी पर्सेस खुद से बनाती है, और यहाँ पे ना हर सीज़न के हिसाब से आंटी कलर रखती है। अभी सिल्वर कलर की सारी पर्सेस है, कभी आपको पिंक मिलेगी क्योंकि आंटी हर साल अलग अलग लेदर खरीद कर लाती हैं एक ही कलर का, क्योंकि सब बहुत कॉस्ट बढ़ जाता है, इसीलिए उन्होंने बस एक ही कलर की बनाई। बट देख सकते हो ना कितनी प्रिटी प्रिटी डिज़ाइन में इसकी वर्क की गई है। उप्स मैंने गिरा दिया, मैं उठा देती हूँ। आंटी इस वाली प्लेट की दाम कितनी है? बेटा ये प्लेट तो 100 रुपये की है बेटा। अच्छा 100 रुपये की? हाँ बेटा। अच्छा आंटी कोई और राखी नहीं है? मतलब ये सारी बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रही है ना बेटा, उधर देखो। ओ हाँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पर आपको और राखी मिलेंगी। ये की मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी राखी है। आंटी इन तीनों की प्राइस कितनी है और इन तीनों की भी प्राइस बता दीजिए जरा। सो गाइस ये जो ऊपर वाले जितने भी हैं उनकी प्राइस 50 रुपीज़ है और जो नीचे आपको दिख रही है उनकी प्राइस 20 रुपीज़ है। तो ये छोटे बच्चों के लिए है या फिर जिनके हाथ पतले होते हैं उनके लिए, और ये बड़े बड़े राखी, और यहाँ पर कुछ शादी के लिए मालाएं वगैरह। अच्छा आंटी इस वाले बॉक्स में कुछ बॉटल्स वगैरह दिख रही हैं, ये बॉटल्स किस लिए हैं? अरे बेटा रक्षा बंधन में सबको कुछ कुछ सामान रखना होता है उसी के लिए है। अच्छा आंटी तो एक काम कर दीजिए, आप एक ये वाला पैक कर दीजिएगा जरा और एक ये वाला पैक कर दीजिएगा। बाकी सब अच्छी हैं और एक ये भी पैक कर दीजिएगा। बाकी सब तो अच्छे ही हैं बट ये बहुत ही प्यारा है तो आप कर देंगे आंटी? अभी कर देती हूँ बेटा। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी राखी, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर बिक रही है ना। और ये कुछ यहाँ पर बॉटल्स हैं इस टाइप की सामान रखने के लिए, आंटी ने बताया मुझे सब रखते हैं राखी में, बहुत ही अच्छा है। गाइस मैं तो ये बॉटल लेने ही वाली हूँ बिकॉज मेरे घर पे इसकी बहुत कमी है। हम लोग मसाले वगैरह स्टोर करते हैं ना, इंडियन है तो इसीलिए चाहिए तो होगा ही ये भी, तो ये भी ले लूँगी। सो गाइज वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो वो तीनों पार्ट भी देखना मत भूलिएगा। और हाँ गाइज अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।